हेलो दोस्तों, मंटू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। दोस्तों तो मैं आपको टाटा नगर जमशेदपुर से लेकर आया बलरामपुर मुर्गा मार्केट और यहाँ भेड़ बकरी गाय सारा सब चीज़ का यहाँ हाट है। सारा कुछ जानकारी दूंगा आपको दोस्तों। और देख सकते हैं ये सीधा पुरुलिया की ओर जा रहा है। 29 किलोमीटर नेशनल हाईवे सीधा आपको पुरुलिया सिल्लीगुड़ी तक जाएगा रोड सीधा। और वो ब्रिज के बगल में ही वो हाट है असील मुर्गा का मार्केट, जो बड़े बड़े असील मुर्गा यहाँ पर पाए जाते हैं। और इधर भेड़ बकरी का ये बगल में हाट है दोस्तों। चांडिल टाटा नगर जमशेदपुर से आ रहा जो सीधा आप देख रहे हैं, और इधर से सीधा ये पुरुलिया की ओर जा रहा सीधा। और उधर बड़ा बाजार, मान बाजार, जो पटंदा जो जानते हैं वो रोड उधर से भी है। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो दिखाते हैं, पूरा जानकारी देते हैं आज का ब्लॉग वीडियो बलरामपुर। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको नस्ल के मुर्गा। ये मुर्गा ढाड़ वाला मुर्गा है दोस्तों, ढाड़। और दाम बोलो सर, 7000 बोला तो मैं 5000। और देखिए दोस्तों खोड़िया, इसका वेट 3.5 से 4 किलो के आसपास होंगे दोस्तों। इसका प्राइस है 6000 रुपया, काफ़ी खूबसूरत। और तमिलनाडु का आंध्रा मुर्गा आपको दिखाते हैं, पतला पतला कट का है, अच्छा नस्ल का है। और यहाँ पर बहुत सारा तमिलनाडु से माल बलरामपुर लाते हैं। और आंध्रा मुर्गा का रेट लगभग ज़्यादा नहीं है, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 का लगभग में रेंज है दोस्तों। ये जितना भी मैं दिखा रहा हूँ जो दाम बोले इसका लगभग में है दोस्तों। तो सारा एक एक करके देखिए दोस्तों, वीडियो स्क्रिप मत कीजिए दोस्तों। और फिर मुर्गा हाट का बाद ले चलेगा आपको भेड़ और मार्केट, भेड़ बकरी का मार्केट, वहाँ का भी जानकारी लूँगा। फिर सब्जी मार्केट ले जाऊँगा, वहाँ का भी जानकारी, सारा कुछ दोस्तों बताएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, बलरामपुर का रेलवे स्टेशन बोराभूम है, बोराभूम में उतरिएगा, वहाँ से 3 किलोमीटर है दोस्तों बलरामपुर मुर्गा हाट, आसानी से आ सकते हैं। और बाइक से आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों आप एक एक करके देखते रहिए नस्ल और पहचानिए, सब आंध्रा है और पतले पतले मुर्गा है, बहुत ही अच्छा है। सब स्टेट सब खड़े हैं, फुर्तीला है और चंचल है दोस्तों, जितने भी है मुझे सारे मुर्गे अच्छे हैं। और जितने भी है, खोड़िया है, लाल है, लंबा लंबे पूछी है, देख सकते हैं स्ट्रेट खड़ा है, पैर भी देखिए, आल देखिए, फूल फूल भी एकदम एकदम छोटा सा है, खूबसूरत है। और आपको दिखाते हैं बहुत सारे यहाँ पर है, एक एक करके जितने भी आसपास सब देखिए, काला पैर काला आँख, अब जानते हैं आंध्रा मुर्गा सब है जितने भी है। और फिटनेस देखिए, शरीर का जो फिटनेस मुर्गा का देखा जाता है। आपको कैमरे में दोस्तों लग रहे होंगे कि छोटे हैं मोबाइल में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सब मुर्गे बड़े हैं, 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो लगभग। और हाइट अच्छा खासा हाइट है दोस्तों, आपको सिर्फ छोटे दिख रहे हैं मोबाइल में, लेकिन जिस दिन आप बलरामपुर मार्केट आइएगा दोस्तों तो मुर्गा सब देखिएगा कैसे कैसा हाइट का मुर्गा यहाँ लेके आते हैं, बड़े बड़े हाइट और असली मुर्गा। और यहाँ छोटे मुर्गे भी दोस्तों पाए जाता है, छोटे मुर्गे का भी वीडियो बनाया हूँ मैं, अभी अपलोड नहीं किया हूँ। छोटे जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे जाति के देसी मुर्गा है उसका दाम 1000, 1200, 1500, 900, 800 वो लगभग में है, वो मैं बना के रखा हूँ, मैं अपलोड नहीं किया हूँ। मैं अभी सिर्फ असील मुर्गा का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और देखिए कड़वा मुर्गा, ये भी देखिए 6500 बोल रहे थे, अब कम बेशी इसका है वो कम कर सकते हैं, लेकिन 6500 मुझे बोल रहे थे। चलिए दोस्तों और दिखाते हैं एक दो मुर्गा, उसका दादा से बात करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको हम कुछ मुर्गा का जानकारी दूंगा और दादा से बात करेंगे, ये मुर्गा हाट कौन दिन लगता है और कौन सा रेलवे स्टेशन है और ये कहां कहां जाते हैं, कितना दिन से व्यापारी करते हैं, सारा कुछ जानकारी देंगे। और दादा, दादा नमस्कार, तुम्हारा नाम की है? विभूति महतो। विभूति महतो, तुम्हारा तो कथा देखो मानिकटी ग्राम। मानिकटी ग्राम से बोल रहा हूँ, हाट कौन दिन लगे? मंगलवार। मंगलवार कोटा ले कोटा तो मोटामुटी 6টা ले 7টা ले धरो 4টা पर्यंत, 7 बजे से लेके 4 बजे तक ये मुर्गा हाट लगता है। अर्थात रेलवे स्टेशन बोल रहा है,
बोरामपुर स्टेशन में बोराभूम। आप अगर कहीं से आते हैं मान लीजिए ट्रेन से रांची से धनबाद से बोकारो से तो यहाँ पर बलरामपुर में बोराभूम रेलवे स्टेशन हाँ यहाँ उतरता है हाँ। और आप कौन कौन हाट जाते हैं? बलरामपुर पोड़ाडी काशीपुर। तो ये इतने सारे हाट जाते हैं दादा मुर्गा लाते हैं, अगर इसको देख लीजिए वीडियो में कभी अगर लेना हो दादा से भेंट करके आप ले सकते हैं। तो ठीक है दादा नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों एक लाल रंग का पायरोट देखिए एकदम 4 किलो के आसपास का वेट है और टेल काफ़ी खूबसूरत पूछी है और इसका प्राइस है 7,000 रुपया और काफ़ी खूबसूरत पायरोट देख सकते हैं। 5,500 रुपये तेज तरार कुर्ती देख सकते हैं। खुड़िया का पतला है भी एकदम स्पीड है चंचल है देख सकते हैं। और भी बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर कम रेट में भी लिया जाता है। तो दोस्तों अभी आपको मिला है खस्सी का मार्केट में जो बकरी खस्सी बलरामपुर में बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ का जानकारी लेते हैं रेट देखते हैं कम से कम कितना तक का है। तो दोस्तों आप जो अभी देख रहे बलरामपुर भेड़ बकरी का जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों और आपको मुर्गा हाट से भेड़ बकरी का हाट में ले आए हैं और ये हाट में चारों तरफ 3,000, 4,000, 5,000 ये सब भेड़ का रेंज है दोस्तों। पाठा बकरी खस्सी राम छागल जो बोलते हैं वो सब भी 6,000, 5,000 में बढ़िया बढ़िया नस्ल का इस हाट में दोस्तों सारा कुछ मिलता है। दोस्तों इस हाट में कभी भी लेना चाहते हैं तो मंगलवार को वेस्ट बंगाल आ जाइएगा हमारे टाटा नगर जमशेदपुर से 55 कोतो किलो रहा दादा खासी कम से कम 26 किलो दादा का खस्सी 26 किलो का है आपको तो ली ले 11,000 देख सकते हैं बलरामपुर का है एकदम सुंदर एकदम खस्ती एकदम फ्रेश देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहता है इस तरह खस्ती तो बलरामपुर हाट वेस्ट बंगाल आना होगा दोस्तों और आके यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। जो पांठा बोले कोतो करिए 2200 छोटा सा पांठा है देख लीजिए 2200 रुपया 5,000 बोले दादा ना तो 5,000 टका अरे एक लीटर सब खाते बड़े तो जो 5,000 दादा बोल रहे कि जो भी लो हाँ एक 5,000 पूछी तो दादा सब 5,000 बोल रहे सब खस्सी है बढ़िया बढ़िया खस्सी है है ना दादा बोल रहे सब खस्सी है 5,000 कोई भी एक ठो ले सकते आप। बहुत सारा है दोस्तों देख सकते हैं खस्सी है कम से कम रेंज में नाम 7,000 टका 7,000 का बोलिए दादा इला लगभग दाम है दादा ये दाम 5,500 लगभग दाम है दोस्तों। ये सब यहाँ का बहुत सारा यहाँ पर है दाम इधर 9,500 इधर 7,500 इधर कहाँ से इधर हो खस्सी है 7,500 200 नहीं लीजिए तो ना साढ़े छः हज़ार कौन टा बोलिए 6,500, 7,000, 5,000 लगभग दाम 6,000 है ना ठीक है कोनो अगले 6,000 है कोनो एकटा ना तो दोस्तों अब भेड़ा का आपको रेट बताएंगे। दादा के पास बहुत सारा भेड़ा है और बढ़िया बढ़िया है सब देख सकते हैं। कौन सा इले कोतो कोतो रेंज है बोलो हाथ दिखे बोलो कौन एक एक लाइन करो बोलो ये कोतो जो बोलो 4,000 का रेंज में है दोस्तों। जितना भी भेड़ आप देख रहे हैं ये बलरामपुर हाट का और बकरी बाजार भेड़ बाजार बहुत बड़ा यहाँ हाट लगता है दोस्तों और चारों तरफ यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और देखिए काफ़ी भीड़ दोस्तों देख सकते हैं। तो दादा को तो दाम रही थी बोलो देखिए अगला फरियार है 5,000 में अगला बोल रहा नहीं 6,000 नीचे देगा नहीं दोनों बातचीत चल रहा है दोस्तों।
6000 में देगा बोल रहा है ना। तुम्हारा ले लिया ना ये दादा ट्रक भी है दादा 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 छोटा लेने 7000 5000 4000 छोटा ला 3000 सब अलग अलग रेट का है दोस्तों। इस हाट में बहुत बड़ा हाट है दोस्तों और यहाँ बहुत सारा हाट है की बोल ली ज़्यादा नहीं 6000 हमारे ले रहे चिंगड़ी मच्छी और कतो 50 ग्राम लिए कतो लिलो 35 टका 35 रुपया का चिंगड़ी मच्छी सुमित भाई लिया है। आ की दे मोला बेटा बोल रहा टमाटर दिए टमाटर झोल टमाटर के साथ झोल के साथ बनाएंगे दोस्तों। ये मच्छी बहुत ही अच्छा लगता है चिंगड़ी मच्छी तो देखे हेलो ये 35 100 ग्राम बोल लिया 30 100 ग्राम 30 रुपया 100 ग्राम अरे 35 100 ग्राम ठीक है ना। सर मोरीज के लिए 10 रुपया 100 ग्राम आधा 15 रुपया 50 ग्राम 100 ग्राम 15 रुपया। देखिए दादा का बलरामपुर का रेट बताया। नमस्कार दादा बहुत 50 रुपया किलो की बोली 50 रुपया किलो करेला। हाँ तो करेला का महंगा हो गया 50 रुपया किलो। टमाटर का 50 बोलो ना। हाँ 50 भाजा बटे दादा कांचा बादाम बटे तो भाजा खाबो कुड़ी टाइम अरे काचा बादाम केजी कत 90 टका। देखिए दोस्तों 90 रुपया कच्चा बादाम बलरामपुर मार्केट में 90 रुपया किलो। तो भाजा दो ना खाबो 10 टका दो 10 टका दो भाजा खाबो 10 टका। और फूलगोभी के लिए 40 टका केजी 40 टका किलो। और मूला 20 टका। दोस्तों अभी हम बलरामपुर मार्केट में हैं जो सब्जी मंडी है यहाँ पर बलरामपुर में ब्रिज के नीचे और सबका भाव मोल पूछ रहे कम से कम कितना रेट है। हम जितने भी पूछे लगभग जमशेदपुर में जो रेट है बलरामपुर में वही रेट मिल रहे हैं जितने भी जानकारी ली है अभी। और दादा के पास में आया थोड़ा मसाला का भी जानकारी लेते कौन सा कितना रेट है अभी बताएँगे दाम से। बहुत सारा मसाला सजा हुआ देख सकते हैं एक से एक मसाला घरेलू आइटम बलरामपुर हाट का और सारा जानकारी देंगे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और अगल बगल भी है सब्जी बाजार है बहुत बड़ा है बलरामपुर में बहुत बड़ा मार्केट है। कैसे कर दे रहे 30 टका 100 ग्राम आई टा 50 टका 100 ग्राम 50 रुपया 100 ग्राम ईटा धनिया 100 ग्राम आर इगले 40 टका 100 मसाला ही बड़े कुड़की मसाला मीट मसाला। देखिए दोस्तों पिसाला मीट मसाला 100 ग्राम 40 रुपया है ना। आर इटा मांसूर मसाला मीट का मसाला है 40 में 100 ग्राम बेटा गुड़ा लो ना अब वस्तु कत कर दीछो 120 टका 100 ग्राम। तो पोस्तु बलरामपुर का मार्केट का रेट बता रहे हैं और ये सब मसाला भागा गया 10 टका सब मैसा है सब देखिए दोस्तों सब भागा बना के रखा हुआ दादा 10 रुपया करके जितने भी मसाला गरम मसाला के आइटम जितने भी 10 रुपया भाग कितना सुंदर सा लग रहा है सजा के रखा। आई लगी बाटी साबुन कौन करिए 10 टका पीस 15 टका पीस ये 10 रुपया पीस है दोस्तों बलरामपुर में जो बाटी साबुन देख रहे ग्रामीण में ये 15 रुपया बाटी साबुन। और देखिए यहाँ पर इस देखिए 44 रुपया 5 तो गिले सब बाटी साबुन गिले देखिए बाटी साबुन है सर दोस्तों। कौन दिन लगे मंगलवार है तो दोस्तों मंगलवार का दिन यहाँ पर थोड़ा सेंट अगरबत्ती भी दिखा रहे हैं यहाँ पर इले कौन दादा बोले अगरबत्ती गिले 25 टका अब पीस को तो आज है 120 पीस है 25 रुपये में दादा दे रहे हैं तो कम में भी दे रहा रेट और ज़्यादा है गाड़ी ज़्यादा है और सेंटेड है ये लेगा सुमित भाई सुमित लेगा क्या एक टन नहीं ले 120 पीस कांटी है और 20 रुपये में दिया जा रहा विद्यावन का अगरबत्ती ये सुमित भाई ले रहे हैं। टमाटर बलरामपुर का रेट और बीम क्या चल रहा है टमाटर कत के जी दीछो 50 अरे बीम 15 टका भाई बलरामपुर में लहसुन खरीदा देख सकते हैं 100 ग्राम 40 टका कौन 30 टका 40 बोलो 40 हाँ तो कौन ली हाँ तो ले 50 ग्राम सुमित भाई ले रहे लहसुन बलरामपुर में
तो देख सकते हैं पूरा मार्केट है बलरामपुर में। 50 ग्राम दिए थे भैया। 50 रुपया फूल गोभी कोटा चढ़े कोटा चढ़े छोटा सा चार पीस चढ़ेगा दोस्तों एक किलो में। फूल गोभी ताजा ताजा फूल गोभी एकदम है देख सकते हैं आप। दादा बेच रहे यहाँ पर दादा मूला कत कर किलो 20 किलो पे देख ले ये बोली से বরবটি কত টাকা কেজি? 40 টাকা কেজি। ফুলকপি গুলা দেখো কেমন আছে? ফুলকপি গুলা কেমন? 40 টাকা জোড়া। 40 টাকা জোড়া চলছে বলরামপুরে রে। दोस्तों लगभग जितना ही बलरामपुर में रेट देखे हमारा जमशेदपुर में भी वही रेट है। जो बलरामपुर में रेट है हम कम से कम अनुमान लगा लिए हैं। तो दोस्तों थोड़ा अभी फल का भी रेट जान लेते हैं कि हमारे जमशेदपुर शहर और बंगाल का शहर में कितना फर्क है फल का पता कर लेते हैं। तो दादा एक तो दाम गिला बोलियो तो ये आपेल टा कत कर 80 रुपये केजी एटा। अरे अनार गिला 140 আর ছোট ওলা এটা 100 টাকা কেলা কত টাকা দর্জন? কেলা 40 টাকা দর্জন। চাই বলি 40 টাকা। কি নাম দাদা তোমার? সাহিল। সাহিল ঠিক আছে। তো দোস্তো দেখে আপ ইহা কা ভি রেট কম সে কম हमारे जमशेदपुर टाटा जैसे उतने रेट है 100 रुपये किलो वहाँ भी चल रहे हैं लगभग। इधर संतरा बड़ा दादा इटे कत टाका केजी? 60 रुपये किलो। आप बेचो ना 160 रुपया। एप्पल 50 और छोटा वाला 60 टका। ये रेंज का दादा बेच रहे हैं। मेन रोड में है दुकान है दादा का वेस्ट बंगाल बलरामपुर यहाँ पर लगाते हुए। तो ये जानकारी आपको दिए बलरामपुर का क्या क्या रेट चल रहे हैं देख सकते हैं यहाँ का। और चारों तरफ फल का पूरा दुकान है देख सकते रोड में एकदम। अरे दादा के पास गन्ना है ये दादा ये गन्ना के लिए कौन करें पीस? 30 टका। 30 रुपये करके गन्ना दिया जा रहा है देख सकते हैं। और ये पतला के लिए 10 टका 20 टका। ये 10 रुपये करके है। अरे तो 20 रुपये 10 रुपये 30 रुपये लंबा लंबा गन्ना है सब बलरामपुर का। दोस्तों यहाँ का रेट आपको बता रहे लगभग का रेट कितना है। टोटो देखिए दोस्तों यहाँ पर बलरामपुर वेस्ट बंगाल में टोटो बहुत ज़्यादा चलता है दोस्तों। टोटो का यहाँ पर डिमांड बहुत है बंगाल में। हम लोग का जमशेदपुर शहर में सिर्फ टेम्पू देखने मिलता है लेकिन बलरामपुर हाट में टोटो बहुत ज़्यादा देखने मिलता है दोस्तों। टोटो जिधर देखिए खाली टोटो देखिए टोटो का मार देखिए वेस्ट बंगाल का टोटो। कश्मीरी एप्पल 160 बोलो ना कश्मीरी। और दोस्तों देखिए और यहाँ पर दादा मच्छी बेच रहे हैं देख सकते हैं। फिर की माछ उठे रे दादा की माछ उठे रे पंगास कत टका? 160 टका पंगास। अगला रुई रोड है ना रुई को 180 90 रुई है बलरामपुर का आइडिया 200 टका है बलरामपुर का रेट है दादा बता रहे हैं यहाँ का। हाँ मुझे बोल रहा हूँ की माँ बोले भाई मांगुर बोलने की मांगुर बोलने है छोटा मांगुर एक लच्छे जिंदा चेंग ना हाँ दादा चेंग के लिए कौन करे 300 किलो देख सकते हो बलरामपुर में भैया 300 600 इधर और यहाँ मांग बोले ओरिजिनल बोले भाई हाँ हाँ दादा के लिए यहाँ मांग रहे यहाँ क्यों बोले उठेगा यहाँ मांगुर बोले। देखिए दोस्तों देहाती मांगुर बलरामपुर में देखने को मिला ये पूरा जमशेदपुर में देखने हमको नहीं मिलता लेकिन यहाँ मिला आज बलरामपुर में।
छोड़ाल छोड़ाल को तो बोले जी 30 रुपया 100 ग्राम गोगली को छोड़ा के बेच रहे हैं। मासी गोगली छोड़ तुम्हें वही रेट हाँ कत टाइल 200 টাকা রুই মাছ 200 টাকা কেজি আরে গো ছড়া গগলি 20 টাকা 100 গ্রাম 20 রুপিয়া 100 গ্রাম দেখে আবার ছড়া কে বেচতে হয় যে গগলি দেখ রে দোস্ত এই গগলি কে ছড়া কে দে রা কেলা দাদা কা পা দাদা কত টাকা ধরছেন 40 টাকা 30 টাকা सर दवा आपका भी हम काम आएगा मेन रोड में कभी भी आ जाते हैं ब्रिज जो देख रहे बगल में ये जो ब्रिज जिसको बगल में ही है एकदम बलरामपुर मार्केट के पास में ही है तो दादा के पास दवा है आपको दिखाते कभी अगर जरूरत पड़े तो आप दादा से ले सकते ये बहुत सारा हार्ड है दादा कहाँ कहाँ जाते हैं आप सरायकेला खरसाना हल्दी पोखर राजनगर ये जितने भी हार्ट बोले सब जाते हैं इससे कभी भी कॉन्टेक्ट दवा ले सकता दवा आपको दिखाते हैं चलिए आइए ये दवा देखिए पहले ये जो दवा है ये मुर्गा का है मुर्गी की दवा है ना मुर्गा मुर्गी हाँ बत्तख सबका काम आता है क्या क्या चीज़ दवा बताइए ये बीमारी लगता है झूमता है मरता है सादा पैखाना करता है ठीक है ना तो जो टुनकी बीमारी है सादा कुछ भी बीमारी जब होता है मुर्गी का मुर्गा का और प्लस बत्तख का देखिए बत्तख का भी चिन्ह दिया है तो दादा का पास मिलता है अब जितने भी हार्ट बोले कहीं भी जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बलरामपुर मंगलवार का दिन मेन रोड में लगाते हैं आपको लोकेशन देख लिए और भी बताते हैं और ये भी वही है ना ये अलग है नहीं नहीं एक ही दवा है वो छोटा फाइल है ये बड़ा फाइल है देखिए इधर 60 रुपये 60 रुपये पीस दिया जाता है मुर्गा बतख जितने पंछी में अगर ठंडा में जो बीमारी होता है वो खिलाने से कैसे खिलाना है इसको चावल में मिला के खिलाना है तो बीमारी दूर हो जाएगी दादा बोल रहे हैं कभी भी लेना चाहते हैं तो जितने भी हाट का नाम बोला कहीं भेंट कर सकते फिलहाल अभी बलरामपुर में मंगलवार को यहीं पर मिलेगा आपको चिलगू में भी आते हैं हल्दी पोखर में भी आते हैं हमारे टाटा का जमशेदपुर हल्दीपुर हाट वहाँ भी आते हैं पशु पंछी जितना भी दिख रही है तोता जितना भी पंछी है सारा का देख सकते ये में ये सारा दिया गया है इसीलिए मैं आपको बताया ये आपको आके ये दादा से खरीद सकते हैं चलो दोस्तों फिर मिलेंगे तो दोस्तों अभी आपको जो दिखाया मुर्गा का बाज़ार बकरी भेड़ और सब्जी पत्ती का बाज़ार थोड़ा हम लोग थक गए हैं थोड़ा रुक गए हैं और दादा के पास आए हैं मेन रोड जो है जो बलरामपुर का मेन रोड जो रोड देख रहे हैं आप यहाँ रुक गए हैं तो दादा के पास थोड़ा चना खाते कच्चा वाला उसके बाद अटल छोड़ा और दोस्तों चना देखिए पोंग वाला चना है एकदम मुँह में पानी आ रहा दोस्तों देख के दादा का चना का और दादा तुम्हें कहाँ देखो बताए बलरामपुर हाँ यहाँ पर टोटो दोस्तों बहुत सारा चलता है अरे टोटो बेच चले टेम्पू चले ना है दादा बोल रहे हैं टेम्पू बहुत कम चलता है हमारे जमशेदपुर शहर में टोटो खाली चलता है दोस्तों लेकिन यहाँ पर जमशेदपुर शहर में टेम्पू बहुत चलता है यहाँ पर टोटो चलता है टोटो का यहाँ काफ़ी यहाँ वेस्ट बंगाल में डिमांड है नहीं वेस्ट बंगाल में टोटो का डिमांड बेसी है पहले चेक करें चना कैसे दादा बनाया चना बढ़िया वेल्डन चेक करते हैं दादा कैसे बनाया है पोंग वाला चना आप जो देख रहे हैं एकदम देख के आपको मुंह में पानी आ जाएगा देखिए दोस्तों लंबा लंबा पोंग है बलरामपुर मार्केट का वेस्ट बंगाल का देखिए और खा के बताते हैं दादा जो बनाया कैसा टेस्ट है काफ़ी बढ़िया टेस्ट है लजदार चना जो है पूरा पोंग वाला है बहुत ही मज़ा आया मेन रोड में दादा की दुकान है दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे होटल सबको खरीद के ले जा रहा है हम लोग जाएंगे होटल तो दोस्तों हम लोग रुके हैं रघुनाथपुर चौक के पास बस स्टैंड के पास थोड़ा भूख लगा खा लेते हैं दोस्तों इस होटल में और दादा का होटल है बंगाली होटल है हम लोग यहाँ पर खाएंगे दाल भात चावल के साथ बहुत ही अच्छा तरीके से बहुत ही कम रेट लिया दोस्तों 30 रुपये में दिया गया दाल भात आलू चोखा सब्जी धनिया पत्ता का चटनी सारा कुछ दिया 15 रुपये का अंडा बहुत ही कम रेट में दिया दोस्तों रघुनाथपुर के पास हम लोग खाएँ और हम लोग चलते हैं चांडिल होते हुए जमशेदपुर की ओर।